तो भारतीय जनता पार्टी एकता में आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ जाएगी, आरएसएस का कब्जा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हिंदू हिंदुत्व की जो तो बात होगी। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के सरकारी गुलामों, इतने साल जब तुमने हुकूमत में दिया था तो मुसलसल 70 साल तक हुकूमत में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में कैसे आ गई, आरएसएस इतनी बड़ी कैसे हो गई? 70 साल के आपके हुकूमत में आपके दौरे अंतराल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो अंदर जेलों में फंसे, आतंकवादी मुसलमान थे, दहशत को पूरी करने के लिए जो है तो उन्हें पूरा पूरा मौका देना चाहिए। मेरे अपने सारे साथियों, कई साल कांग्रेस जो है तो हुकूमत में रहे, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई, मैं समझता हूं तो इसको हुकूमत में आने के लिए जो है तो जिम्मेदारी यही कांग्रेस है, ये कांग्रेस ने उनको पाला, उनको बड़ा किया। इम्तियाज जलील साहब वहां से चुनकर आए, हैदराबाद के बाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बड़ी कामयाबी औरंगाबाद से हुई, 2014 में इम्तियाज जलील साहब वहां से एमएलए चुनकर असेंबली में गए, मुसलसल ये कामयाबी बढ़ती गई, 2019 में इम्तियाज जलील साहब को पार्लियामेंट से औरंगाबाद शहर से चुनकर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से यहाँ से अकरुल ईमान साहब इलेक्शन लड़े, भले हमें कामयाबी नहीं मिली लेकिन मैं सलाम करता हूँ यहाँ किशनगंज की आवाम से कि आप लोगों ने काबिले तारीफ एक करिश्मा कर दिखाया, भले इम्तियाज जलील वहाँ से चुनकर आए, अकरुल ईमान साहब यहाँ से नहीं आ सके लेकिन 3 लाख की एक वोटों की लीड, एक वोटों की ताकत, एक आपकी मोहब्बत, आप लोगों ने उस मोहब्बत से जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाजा। मैं यहाँ तो आया था कि मैं बताऊंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में आने के बाद में जहाँ पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो है तो कयादत हुआ करती थी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इख्तदार में थी, उसको जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर धूल चटाई, इम्तियाज जलील साहब वहाँ पर चुनकर आए, वहाँ की काउंसिल में, वहाँ पे म्युनिसिपल कारपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 26 कारपोरेटर्स है, अपोजिशन लीडर हमारा वहाँ पे होता है, उसी चीज को मैं बताने के लिए यहाँ पर आया था कि मजलिस वहाँ पर आने के बाद में कितनी तरक्की वहाँ पर हुई, चाहे गलियों के काम हो, चाहे नालियों के काम हो, चाहे सड़क के काम हो, बिजली के काम हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर एरिया, हर वार्ड को, हर बस्ती को बदलने का काम किया। लेकिन मैंने यहाँ पर आकर देखा, जब हम यहाँ पर सड़कों से गुजरे, जो करिश्मा औरंगाबाद के बाद बिहार में किशनगंज की आवाम ने करके दिखाया था, कमर हुदा साहब को 8 से 9 महीने पहले यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत करने का जो आपने मौका दिया था, जो असेंबली में आपकी आवाज उठा रहे थे, मैं समझता हूँ बहुत ही थोड़ा वक्त होता है, 8-9 महीने का बहुत ही थोड़ा वक्त होता है जिसमें 6 से 7 महीने तो इस कोरोना वबा की बीमारी के अंदर निकल गए, उसके बावजूद हमने देखा तो मैं खुद को जो है तो कमी में महसूस करने लगा कि औरंगाबाद में हमने जो 5 साल लगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर ने, वहाँ के रुक ने, वहाँ के असेंबली के जो काम किया, उससे बेहतर 8 महीने के अंदर खमरुल हुदा साहब ने यहाँ पर काम करके दिखाया है, सड़कों के काम हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर जो है तो बह